प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से, द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के अंतर्गत। इससे पूर्व हम बॉक्साइट के विषय में हमने ज्ञात किया, उसी को जारी रखते हुए उसी के विषय में आज बात करते हैं। इससे पूर्व हमने भंडारों के विषय में और बॉक्साइट की क्या विशेषताएं हैं इसके विषय में जाना। सो टुडे इन सेकेंड ईयर ज्योग्राफी द सेकेंड पेपर इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, यू वर अर्लियर टोल्ड अबाउट द रिजर्व्स and properties of bauxite. We'll continue the chapter today and we'll know about the world's producer according to their in sequence to their contribution where they stand in the world. ये 1990 के बाद से जो विमान उद्योग और अन्य उद्योग विस्तृत होते चले गए, उस समय से अब तक एल्यूमिनियम का निरंतर मांग बढ़ती चली गई। It has been in demand after the development of various industries and specifically the airway air industry aeroplane industry. अब क्या है कि उत्पादन में बहुत ही अत्यधिक तीव्रता आई है, इसलिए जहाँ रिजर्व्स थे, जहाँ इसके भंडार थे, वहाँ से इनका खनन किया जाने लगा है। वर्तमान में विश्व में बॉक्साइट की कुल उत्पादन 23.4 करोड़ टन है। And if we talk about the production of bauxite in world, it accounts to 23.4 crore ton, जिसका एक तिहाई भाग अकेला ऑस्ट्रेलिया उत्पादित करता है। Where the contribution of Australia is the largest, that contributes to about 1/3 of the total world's production. अब हम बात करते हैं विश्व के जो उत्पादक हैं क्रमानुसार जैसा उत्पादन हो रहा है उसके अनुरूप। तो सबसे पहला स्थान आता है विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया एक बृहत्तम उत्पादक क्षेत्र है, जो कि ये हम चर्चा कर चुके हैं कि विश्व का ये एक तिहाई भाग इसका इसको श्रेय जाता है, एक तिहाई उत्पादन का विश्व का। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के उत्पादन एवं संचित भंडार की दृष्टि से क्वींसलैंड प्रांत के केप यॉर्क प्रदेश में जो वाइपा क्षेत्र है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त जो वाइपा के निकट ही स्थित एक है गीवथान क्षेत्र, जो कि आर्नहमलैंड क्षेत्र में स्थित है, वो बॉक्साइट का एक बहुत ही बड़ा उत्पादक है। नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर्स एज दे स्टैंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, सो फर्स्ट कम्स ऑस्ट्रेलिया दैट अकाउंट्स टू अराउंड अबाउट 35.1% ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन इन वर्ल्ड एंड द वाइपर एरिया इन Cape York region of Queensland, it is the largest producer of Australia. And apart from this, there is one more place close in proximity to Waipa, which is close to Waipa, is Gawthan region in Arnhem Land in Australia. Then comes British Guiana. ब्रिटिश गायना की यदि हम बात करें तो ये क्या है, विश्व का 10वां बड़ा उत्पादक है। और इसका उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है, भंडार जो है उसमें 10वां स्थान रखता है, किंतु उत्पादन की दृष्टि से दूसरा है। और यहाँ पर उत्पादित जितना भी बॉक्साइड है वो क्या है, कनाडा को निर्यात कर दिया जाता है इसके द्वारा। और यदि हम क्षेत्र की बात करें तो जितना भी ब्रिटिश गायना में समुद्र तटीय और मध्य आंतरिक भाग हैं, जहाँ पर कि देमेरारा तथा वर्विश नदी के जो घाटी हैं वहाँ पर इसकी विस्तृत परतें पाई जाती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिटिश गायना, इन फैक्ट इट इज़ द 10th लार्जेस्ट द रिजर्व्स, विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व इट स्टैंड्स 10th पोजीशन, इट ऑक्यूपाइज 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड, बट इन प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इट स्टैंड्स 2nd एंड द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस्ड bauxite is exported to Canada. And when we talk about the areas of British Guiana where the bauxite is produced, so they are the coastal regions and the central intermittent region where Demerara and Warwish river flow, the layers of bauxite occur in British Guiana. Then comes Jamaica. अब हम बात करें जमैका की, जैसे कि हमने इसमें क्रम दे रखा है, इसी क्रम के अनुसार इनकी स्थान बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में है। तो तीसरा जो उत्पादक है
वो है जमैका, जबकि भंडार की उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है, लेकिन भंडार इसके विस्तृत है, सॉरी भंडार इसके भंडार की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है और उत्पादन की दृष्टि से ये तीसरा स्थान धारित रखता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को यह अपने द्वारा जो उत्पादित बॉक्साइट है उसका निर्यात करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट जमैका, सो इन व्हेन द वी टॉक अबाउट रिजर्व्स, इट्स ऑक्यूपाइज सेकंड पोजीशन, वेयर एज इन प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इट स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड, एंड वॉट एवर बॉक्साइट इज प्रोड्यूस्ड इन द एरिया इट इज एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड एज फार एज द एरियाज आर कंसर्न्ड इट इज चीफली द इंटीरियर पार्ट ऑफ जमैका एज वेल एज द कोस्टल रीजन वेयर बॉक्साइट इज प्रोड्यूस्ड। और उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो तटवर्ती और आंतरिक भागों में बॉक्साइट का उत्पादन जमैका में देखा जा सकता है। चौथा स्थान आता है ब्राज़ील का, और आंतरिक भागों में बॉक्साइट का उत्पादन पाया जाता है जो कि विश्व का ये 8% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट ब्राज़ील इट बॉक्साइट द अकरेंस ऑफ बॉक्साइट इज़ फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राज़ील एंड इट अकाउंट्स टू 8% ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन। और जितने ब्राज़ील के आंतरिक जो नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं, नदी के मैदान हैं, वहाँ पर इसकी परतें पाई जाती हैं। सो द इंटरमिटेंट अपार्ट फ्रॉम द इंटरमिटेंट प्लेन रीजन एंड द वैली रीजन ऑफ ब्राज़ील दिस अकरेंस ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड इन अबंडेंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द कोस्ट लाइन अलॉन्ग द कैरिबियन सी इज ऑल्सो द बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग रीजन। और ये जो हमने आंतरिक जो नदी घाटी की बात कही जहाँ पर ब्राज़ील में बॉक्साइट विद्यमान है, इसके अतिरिक्त जो कैरेबियन सागर के सहारे स्थित जो तटवर्ती भाग है वो भी बॉक्साइट का भरपूर मात्रा में उत्पादन करता है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में यहाँ पर खनन जो है किन किन राज्यों में किया जाता है उसके विषय में जानते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया व्हाट ऑल स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, तो खनन में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश को हम अलग ही लें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और जम्मू कश्मीर में बॉक्साइट की भरपूर उत्पादन किया जाता है, उसका खनन किया जाता है। इन इंडिया माइनिंग इज़ डन इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट कम्स वेनेजुएला। अब वेनेजुएला विश्व का 5% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट वेनेजुएला इट कंट्रीब्यूट्स टू 5% ऑफ वर्ल्ड्स बॉक्साइट प्रोडक्शन। सेवेंथ कम्स सुरीनाम। अब सातवां है सुरीनाम। तो कैरेबियन सागर से 130 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के, ये वास्तव में सुरीनाम जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व में एक छोटा सा राज्य है, लेकिन बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उत्पादन की जो बात हमने कही, ये सागर तट से, कैरेबियन सागर से 130 किलोमीटर की दूरी तक बॉक्साइट के जमाव यहाँ देखने को मिलते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सुरीनाम इट इज़ बेसिकली अ वेरी स्मॉल स्टेट इन साउथ अमेरिका इन लाइंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, बट इट स्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट एंड फ्रॉम द कैरेबियन सी द बॉक्साइट लेयर्स एक्सटेंड अप टू 130 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। फिर यहाँ पर जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन होता है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। द बॉक्साइट प्रोड्यूस्ड इन सुरीनाम इज एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज। सो नेक्स्ट कम्स फ्रांस। अब अगला है फ्रांस। तो पिरेनीज़ के जो एंडीज प्रांत है इसके पूर्व में रोन घाटी तक ये बॉक्साइट के जमाव देखने को मिलते हैं, इसका उत्पादन किया जाता है, खनन किया जाता है। सो माइनिंग इज डन इन एंडीज द पिरेनीज इन एरीज एरिया, एरीज रीजन
विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ रोन वैली. सो बॉक्साइट इज माइंड इन दिस एरिया इन फ्रांस एंड इट इज एक्सपोर्टेड टू जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन. और यहाँ उत्पादित जो बॉक्साइट है उसका निर्यात जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन को किया जाता है. फिर आता है पूर्व सोवियत संघ. सो नेक्स्ट कम्स द नाइन्थ पोजिशन होल्ड्स ईस्टर्न रशिया. अब यहाँ पर जो क्षेत्र हैं उनको हमने बिंदुगत किया हुआ है उनके उत्पादन की दृष्टि से. फर्स्ट कम्स द ईस्टर्न यूराल रीजन वेयर स्वर्डलोवस्क टू द साउथ ऑफ ओरस्क. फ्रॉम स्वर्डलोवस्क टू द साउथ ऑफ ओरस्क द डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट आर फाउंड. पहला वाला क्षेत्र जो है वो पूर्वी यूराल के स्वर्डलोवस्क से दक्षिण में और रस्क तक इसका विस्तार देखने को मिलता है और मध्य यूराल के सेरोव क्षेत्र में दक्षिण में कामेंस्क तक भी बॉक्साइट के जमाव देखने को मिलते हैं. और यहीं पर यूराल के वाले रीजन की बात हम करें, इन द मिडल यूराल रीजन सेरोव रीजन टू कामेंस्क लाइंग टू द साउथ द रिजर्व्स एंड द माइंस ऑफ बॉक्साइट कैन बी विजुलाइज. फिर यहाँ का ये तो हुआ यूराल रीजन का. देन सेकंड एरिया इन रशिया इज कॉकेशस रीजन, द कॉकेशस माउंटेन रीजन वेयर बॉक्साइट रिजर्व्स आर फाउंड. देन इन कजाकिस्तान, थर्ड वन इन ईस्टर्न रशिया इज कजाकिस्तान. देन फोर्थ कम्स कोला पेनिनसुला रीजन. चौथा जो है पूर्वी सोवियत संघ में कोला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है. फिर पांचवा यहाँ पर यूक्रेन रीजन है. फिफ्थ कम्स यूक्रेन रीजन और पूर्वी साइबेरिया से इरकुट्स तक एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है. यहाँ जितना भी बॉक्साइट प्राप्त होता है उसका पूर्वी साइबेरिया और इरकुट्स में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है. एल्यूमिनियम इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्टर्न साइबेरिया अप टिल इरकुट्स्क इन रशियन रीजन. देन कम्स यूरोपियन कंट्रीज़. अब यूरोपीय देश की बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन से बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं. पश्चिम हंगरी, यूगोस्लाविया में इस्त्रियन प्रायद्वीप से दलमेशियन तट तक. सो इन यूरोप द यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूड द वेस्टर्न हंगेरी. देन फ्रॉम यूगोस्लाविया टू एरियन पेनिनसुलर अप टिल द डालमेशियन कोस्ट बॉक्साइट माइनिंग इज डन. फिर यूनान में कोरिया कोरिंथ खाड़ी के उत्तर स्थित पारनेसस पर्वत में भी इसका खनन किया जाता है. एंड इट इज ऑल्सो माइंड इन पारनेसस माउंटेन रीजन वेयर द कोरिंथ बे इन यूनान ऑल्सो बॉक्साइट इज माइंड. फिर इसके बाद आता है चीन का स्थान. फिर कम यहाँ पर चीन में बॉक्साइट का उत्पादन कम किया जाता है और जो प्रांत हैं उत्पादक वो हैं मुख्य हुनान, ग्वेचो तथा जेशवान. दो द अमाउंट ऑफ बॉक्साइट प्रोड्यूस्ड इन चाइना इज वेरी लेस बट द एरियाज वेयर इट इज माइंड आर हुनान, ग्वेचो एंड जेशवान रीजन. और फिर अगला भाग आता है हिंद एशिया का. इवन इंडोनेशिया कॉन्ट्रीब्यूट्स मच टू द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट और इसमें जो मुख्य हैं वो हैं बिंटन द्वीप. हिंद एशिया की जो बात हम कर रहे हैं इसमें बिंटन आइलैंड इज इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्साइट प्रोडक्शन. और यहाँ पर जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन किया जाता है वो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता है. द बॉक्साइट प्रोड्यूस इन इंडोनेशिया इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब जो हमने अभी तक प्रांतों के विषय में चर्चा की इस मानचित्र से आप भली भांति देख सकते हैं अवलोकन करने पर कि बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं. तो ये हम देख लेते हैं. उत्तरी अमेरिका में आर्कनसास वाला क्षेत्र है. फिर जमैका जो है वेस्ट इंडीज़ का वो क्षेत्र है. फिर फ्रेंच गायना दक्षिणी अमेरिका के ऊपरी तट के सहारे. और जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर चलेंगे तो सुरीनाम और ब्राज़ील हैं दक्षिण अमेरिका में. फिर गायना है अफ्रीका में.
फिर दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र है, यूराल प्रदेश है एशिया के मध्यवर्ती भाग में, फिर आमूर रीजन है, आमू जो झील है उसके आसपास का, फिर भारत में गुजरात झारखंड और ज़्यादातर जितने भी बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्र हैं ये भारत में लैटराइट मिट्टी वाले ही क्षेत्र हैं जो कि तट के सहारे विद्यमान है, और ऑस्ट्रेलिया का वेइपा प्रांत दे रखा है। तो ये जो त्रिभुजाकार स्थिति में है ये बॉक्साइट के उत्पादक क्षेत्र हैं, और एल्यूमिनियम का उत्पादन उसके जो संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं वो हम देख लेते हैं गोले के द्वारा। सो द एल्यूमिनियम प्लांट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल ब्लैक डॉट्स वेर एज द ट्राइंगुलर शेप एक्सप्रेसिस द बॉक्साइट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। देन कम्स द ट्रेड ऑफ बॉक्साइट इन वर्ल्ड। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट का विश्व में व्यापार। विश्व के विकासशील देशों में ही अधिकांशतः बॉक्साइट के जमाव देखने को मिलते हैं जो। सो द चीफ डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट कैन बी विजुलाइज इन द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। किंतु तकनीकी और प्राविधिक विकासशील सॉरी द डेवलपिंग कंट्रीज ओनली यू कैन विजुअलाइज, बट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड द एरोप्लेन इंडस्ट्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज डन इन द डेवलप्ड कंट्रीज वेर एज इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम दीज डेवलपिंग कंट्रीज। वील हैव अ लुक अबाउट द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ बॉक्साइट। तो अब किंतु क्योंकि ये विकासशील देशों में इसका जमाव विद्यमान है और यहाँ पर तकनीकी और प्राविधिक उन्नति का अभाव सामान्यतः देखने को मिलता है, इसीलिए ये जितने भी विकासशील देश जहाँ पर बॉक्साइट प्राप्त होता है वो अपने बॉक्साइट उत्पादित बॉक्साइट का अधिकांश भाग निर्यात कर देते हैं, और जहाँ जहाँ पर जिन देशों में सस्ती जल विद्युत शक्ति वाले जो देश हैं वहाँ पर वो इस बॉक्साइट का आयात करके उन्होंने एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित किए हैं। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ बॉक्साइट रिजर्व्स आर फाउंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ द लैक ऑफ टेक्निक एंड द टेक्नोलॉजिकल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम दीज कंट्रीज दे एक्सपोर्ट देयर बॉक्साइट टू द डेवलप्ड कंट्रीज वेयर चीप Hydroelectricity is available. So the most of the aluminium plants, aluminium industries are located in the developed countries, whereas bauxite reserves and bauxite production can be visualized in the developing countries. अब एक दृष्टि आयातक और निर्यातकों पर, तो इसमें ये देखते हैं एक कॉलम में स्पष्ट दिया हुआ है निर्यातक कौन कौन से हैं और आयातक कौन से हैं, कहाँ से निर्यात किन देशों को किया जा रहा है। सो हैव अ लुक अबाउट द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स ऑफ बॉक्साइट। सो द अमंग द एक्सपोर्टर्स जमैका हेटी डोमिनिकन रिपब्लिक एंड डच गायना आर द एक्सपोर्टर्स एंड देयर बॉक्साइट इज इम्पोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर दूसरा है ब्रिटिश गायना और ऑस्ट्रेलिया का जो बॉक्साइट है उसका निर्यात जापान चीन कनाडा तथा ब्रिटेन को किया जाता है। द बॉक्साइट प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश गायना एंड ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपोर्टेड टू जापान चाइना कनाडा एंड ब्रिटेन। और फिर गिनी और घाना जो बॉक्साइट के प्रांत हैं उनके द्वारा उत्पादित किया गया बॉक्साइट का निर्यात ब्रिटेन और जर्मनी को किया जाता है। बॉक्साइट रिजर्व्स एंड बॉक्साइट प्रोडक्शन इन गिनी एंड गाना इज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एंड जर्मनी। और जब बात करें हिंद एशिया और मलेशिया की तो इनके द्वारा उत्पादित जो बॉक्साइट है उसका निर्यात जापान को कर दिया जाता है। सो अमंग द एक्सपोर्टर्स एज इंडोनेशिया एंड मलेशिया द बॉक्साइट प्रोड्यूस्ड इज एक्सपोर्टेड टू जापान। सो जापान इज़ द इम्पोर्टर ऑफ मलेशियन एंड इंडोनेशियन बॉक्साइट। अब ये बात करते हैं एल्यूमिनियम का उत्पादन विकासशील देशों में किया जाता है। अभी हमने चर्चा की जहाँ जहाँ पर तकनीकी बहुत ज़्यादा विकसित है, साथ ही साथ में
जल विद्युत भी सस्ती उपलब्ध है। वहीं पर एल्युमिनियम के उत्पादन के केंद्र देखने को मिलते हैं। द एल्युमिनियम प्लांट्स कैन बी विजुलाइज ओनली इन द डेवलप्ड कंट्रीज वेयर द टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड एज वेल एज चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, जिनके अंतर्गत चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी ये प्रमुख हैं। सो दीज आर द कंट्रीज चाइना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान एंड ब्रिटेन एंड ऑल्सो जर्मनी, दे हैव दैट टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड टेक्नोलॉजी एज वेल एज चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एल्यूमिनियम। फिर रूस, फ्रांस, हंगरी अपने देश के बॉक्साइट से एल्यूमिनियम उत्पादित कर लेते हैं। तो दीज रशिया, फ्रांस एंड हंगरी आर द कंट्रीज दैट देमसेल्व्स हैव द एल्यूमिनियम प्लांट, वेयर एज मैनी ऑफ द कंट्रीज दे आर एक्सपोर्टिंग देयर बॉक्साइट टू द वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज फॉर द एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। और बात करें नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में, तो यहाँ बॉक्साइट के जमाव नहीं है, किंतु अपनी सस्ती और अपार जल विद्युत उपलब्धता के आधार पर बॉक्साइट आयात करके एल्यूमिनियम का उत्पादन कर लेते हैं। सो इन दीज थ्री पैराग्राफ्स एज शोन इन द स्लाइड, इट इज़ शोन दैट विच ऑफ द कंट्रीज आर द इम्पोर्टर्स। पहले वाले में हमने जो चीन, कनाडा और इनकी बात की, ये सारे इम्पोर्टर्स हैं, ये आयातक हैं बिकॉज ऑफ देयर फैसिलिटीज़ दे बेयर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। फिर दूसरी हमने बात रूस और हंगरी और फ्रांस की जो की, वो ये था कि इनके पास बॉक्साइट भी उपलब्ध है, साथ ही साथ में इनके पास जल विद्युत और कुछ तकनीकी उपलब्ध है, जिसके प्रतिफल में यहाँ पर एल्यूमिनियम का उत्पादन कर लिया जाए। एल्यूमिनियम इज़ प्रोड्यूस इन रूस, फ्रांस एंड हंगरी बिकॉज दे हैव द ऑल द फैसिलिटीज़ दैट द ओर एज वेल एज द कंडीशंस। फिर बात करते हैं नॉर्वे, स्वीडन की। सो नॉर्वे एंड स्वीडन दीज आर द कंट्रीज विच डू नॉट पोजेस एनी बॉक्साइट reserve, they don't have bauxite, but because they have the facility of cheap and ample of hydroelectricity, therefore they import bauxite so as to produce aluminium. So this was all about bauxite production in the world.